हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ UP SSC का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंटरव्यू चल रहा है, उसका जो कि 27 अक्टूबर को हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति किस देश से में सर्वप्रथम हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, उदारीकरण से क्या आशय है। तो उदारीकरण की परिभाषा देना है एक तरह से। यहाँ देखिए, व्यवसाय और उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों और नियंत्रणों को कम करने को उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति का क्या अर्थ है। तो आपूर्ति का क्या अर्थ है, आपूर्ति शब्द का अर्थ बहुत व्यापक शब्द है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप, जैसे बिक्री, स्थानांतरण, और वस्तु विनिमय, अदला बदली, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटाना, निपटान करना या करने के विचार पर एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिए सहमति देना शामिल है। और इसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है। और मॉडल GST कानून आपूर्ति के दायरे के भीतर बिना प्रतिफल के कुछ लेन देन को शामिल करने की भी व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये था आपका आपूर्ति, आपूर्ति का अर्थ। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब के, अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस एक राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो महिला साक्षरता दर झारखंड राज्य की न्यूनतम है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब की नींव किसने रखी थी। तो वर्ल्ड वाइड वेब की नींव टिम बर्नर्स ली ने रखी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं प्रयोग की जाती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो संख्याएं प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी संख्या वो होती है, 0 और 1 होती है। तो ये 0 और 1 होती है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिए, फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की के बारे में बताना है, तो फंक्शन की आप लोग जानते ही होंगे कि 12 होती है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप लोग साथ ही साथ लाइक करते चलिए मेरे वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट मिलता है। तो इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा आपको। और साथ ही साथ जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया है तो वो लोग भी अपना क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और ताकि और सभी छात्रों को भला हो जाए। और यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये बताना है। तो लखनऊ में स्थित है, और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इसके बाद देखिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद पूछा गया है, प्रतिरोध की इकाई SI इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरा, मैंने जितने भी वीडियो अब तक डाले हुए हैं वो तब वो सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे कुछ न कुछ क्वेश्चन आंसर मिल रहा है जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, और मैं रिपीटेड क्वेश्चन को अपने वीडियो में नहीं लेता हूँ, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए, पूछा गया है, जलियांवाला बाग, ये देखिए मिस्टेक हुई है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से बोध गया संबंधित है। और इसके बाद देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
इसके बाद देखिए पूछा गया है विंडोज 7 में F5 का क्या कार्य है। तो F5 क्या कार्य करता है विंडोज 7 में, आप लोग जानते होंगे विंडोज 7 अगर यूज किए होंगे कंप्यूटर सीखे होंगे तो उस समय तो विंडोज 7 पर F5 का अर्थ होता है रिफ्रेश करना, F5 का कार्य होता है। इसके बाद अगला देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब SGB स्कीम क्या है, योजना ये है एक, ये क्या है तथा इसके जारीकर्ता कौन होते हैं। तो SGB स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ग्राम्स ऑफ गोल्ड जिसे कहते हैं में ये देखिए ग्राम्स ऑफ गोल्ड में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं और ये फिजिकल गोल्ड अपने पास रखने के लिए एक विकल्प है, रखने के एक विकल्प है और निवेशकों को नकदी नकदी में निर्गम मूल्य का भुगतान करना पड़ता है और बॉन्ड परिपक्वता पर नकदी में भुनाए जाएंगे। और इसके बाद देखिए बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो इस तरह से आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप सबका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए उससे, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।